वो अन्नदाता हैं जो जमीन के सीने को चीरकर फसल उगाते हैं ताकि लोगों की भूख मिट सके, लेकिन इनकी भूख का ख्याल कौन रखेगा? इनकी भी परेशानियां हैं, इनकी भी मांगे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है, लिहाजा ये खेत छोड़कर सड़कों पर जमा हो गए हैं ताकि ये दिल्ली कूच कर सके। वो दिल्ली पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं ताकि सरकार उनकी मांगों को सुन सके। ऐसा नहीं है कि किसानों से बातचीत ना हुई हो। चंडीगढ़ में पहले 8 फरवरी को बातचीत हुई, दो मांगों पर सहमति भी बनी, फिर दूसरे दौर की बातचीत के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की गई। इस बैठक में 3 मांगों पर भी सहमति बन गई, यानी बातचीत करने के लिए किसानों ने सरकार को भरपूर समय दिया, लेकिन दूसरे दौर की बातचीत में भी आधी अधूरी ही खत्म हो गई। यानी कि आंदोलन पार्ट 2 रोकने के लिए सरकार की तरफ से कोई ठोस भरोसा नहीं मिला। किसानों के लिए 3 अहम मांगे हैं जिन पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। MSP का गारंटी कानून, किसान कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग को लेकर पेंच फंसा हुआ है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, वो इससे पीछे हटने के मूड में नहीं है। उन्होंने आज तक के लिए अल्टीमेटम दिया है, अगर सरकार का रुख साफ हुआ तो ठीक, नहीं तो किसान दिल्ली के लिए कूच कर ही देंगे। किसानों और सरकार के बीच चली 5.5 घंटे बैठक कुल मिलाकर बेनतीजा ही कही जाएगी, और उसका नतीजा ये कि अगर आज कुछ ऐलान नहीं होता है तो फिर किसानों का दिल्ली कूच, और उसका नतीजा क्या होगा वो हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि किसान आर पार की लड़ाई के लिए भी तैयार है।